हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जो बहुत ही ज़बरदस्त किचन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ये जब भी चलते हैं पहली टिप्स की तरफ, ये हम भी जब भी कप लाते हैं इनकी डंडियाँ बहुत जल्दी चटक जाती हैं, तो हम जब भी कभी ऐसे न्यू कप लाएँ तो हमें क्या करना चाहिए कि उनको थोड़ी देर के लिए हमें फ्रीज़र में रख देना चाहिए। फ्रीज़र में रखने से ये मज़बूत हो जाते हैं इनकी डंडियाँ वगैरह, और ये जल्दी से टूटते नहीं हैं। ये देखिए, ये मैंने फ्रीज़र में रख दी है, 10 से 15 मिनट बाद मैं इन्हें निकाल दूंगी। और ये टिप्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप्स है मेरी आटे को लेके। फिर हमें आटा गूंदना होता है और हमारा दिल नहीं कर रहा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें मिक्सी ले लेनी चाहिए और थोड़ा बहुत गूंदना है तो उसके लिए तो और भी परफेक्ट है। ये देखिए, मैंने आटा ले लिया एक बाउल, नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना हमें। अगर एक बाउल आटा है तो बस 4 से 5 स्पून हमें पानी डालना है। अब हम इसको चलाएंगे, इसको चला देंगे 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में ही हमारा आटा इतना परफेक्ट बन के रेडी होगा कि आप देखते रह जाएंगे। ये देखिए, अब देखते हैं, देखिए कितना अच्छा हमारा आटा गूंद के रेडी हुआ है, और इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम कि आप हाथ से भी नहीं गूंद सकते। आप ये टिप्स इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, और ये बहुत अच्छी टिप्स लगेगी आपको, बहुत ज़बरदस्ती। अगर टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये देखिए, मैंने कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट आटा गूंद के दिखाया, ये मैंने हाथ से बिल्कुल भी नहीं मसला है। आप भी इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। ये देखिए, और ये कितना परफेक्ट आटा गूंद के ऐसे रेडी हो गया, और इतनी अच्छी सॉफ्ट रोटी बन के रेडी हुई। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर हम जो खुद आटा लगाते हैं, जब हम रोटियां बनाते हैं आटा लगाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही लगता है, और आटा हमारा चिपकता रहता है रोटियों में, ज़्यादा लगता है, जिससे कि हमारी रोटियों में खुश्की वगैरह ज़्यादा ना लगे। हमें ये करना चाहिए, गैस की भी बचत होगी। जैसे आप आटा रोटी बना रहे हैं, इसको हल्के हल्के स्पून से हमें इसको थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर का होने देना है। इसको इस तरह से भून लेना है। आप रोटियां बनाने के बाद गर्म तवे पे ही काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा गैस खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इस तरह से हम इसको हल्के हाथ से भून लेंगे, और देखिए कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है। जब हमारा कलर चेंज हो जाएगा, आप इसे एक कंटेनर में, और बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, ज़्यादा आटा हमारा रोटियों पे नहीं लगता, मैंने खुद इस्तेमाल की है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। इस तरह से मैंने इसको अच्छा सा ब्राउन कलर कर दिया, डब्बे में ऐड करके रख लूँगी, और फिर आपको रोटियाँ भी बना के दिखाऊँगी कि अब मैंने इसको इस तरह से रोटियाँ बनाई, तो देखिए मेरे आटा बिल्कुल भी नहीं चिपका, और बहुत ही ज़बरदस्त ये रोटी का आटा हमारा बना, और बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी रोटी बनी, और बिल्कुल भी उसमें से खुश्की नहीं झड़ रही थी। ये देखिए, मैं इस तरह से आपको रोटियां बना के दिखा रही हूँ इसकी, और आप इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसी लगी, और इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत काम आने वाली टिप्स है, रोटियाँ तो हर घर में ही बनती हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल। देखिए कितनी अच्छे से ये रोटी मिल गई, और कितनी अच्छी, और आटा भी बहुत कम गिरा। आटा बहुत कम गिरने से हमें ना ज़्यादा सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी, और हमारी रोटियां भी बहुत अच्छी बन के रेडी होंगी। ये देखिए, अगर टिप्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी मिल जाए। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी बढ़िया रोटी बन के, साफ़ सुथरी रोटी बन के रेडी हुई। आप इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा। चलते हैं, बाय बाय।